हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हो रहे हैं और इन हादसों से मरने वालों की न जाने कितनी खबरें हैं जो रोज हम आपको सुनाते हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई है, रोहतक पानीपत रोड पर मकड़ोली टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में दो अध्यापकों की जान चली गई और ये अध्यापक कार में सवार होकर अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान हरियाणा रोडवेज की बस के साथ इनकी टक्कर हो गई। दोनों अध्यापकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज हमारे पास खबर आई थी करीब 4 बजे एक बस और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें गाड़ी वाले थे जो दो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और बस वाले कोई भी ड्राइवर कंडक्टर या किसी अन्य सवारी का कोई पता नहीं लगा मौके से, वो सब तरह। ये जेबीटी टीचर थे तो एक माडोटी गांव से और एक सेक्टर 2 रोहतक से रहने वाला था लड़का। ये वो दोनों सब मोर्चरी में रखवा दिए और मुकदमा दर्ज कर दिए छानबीन।